हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन स्टेशन ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार सेवेंटीन इसमें हम राजा नंद कुमार का जो एक हिस्टोरिकल केस है हमारे इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या डिसीजन निकला था

एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ बंगाल बंगाल के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वो एंड ही वॉज लॉयल टू ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो उसके बहुत ज़्यादा लॉयल थे वफादार थे एंड दैट्स वाई ही वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक ब्लैक कॉलोनल ऑफ द कंपनी उन्हें ब्लैक कॉलोनल कहा जाता था कंपनी का तो इसको याद रखिएगा अब इस केस uh, के जो दूसरे पार्टी थी दूसरे जो थे वो थे गवर्नर जनरल उस वक्त हमारे इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे ही वॉज वॉरन हास्टिंग वॉरन हास्टिंग उस वक्त हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे एंड उसके साथ उसकी काउंसिल थी और काउंसिल में चार मेंबर्स थे फ्रांसिस क्लैवरिंग मॉनसन एंड बेयरवेल चार लोग थे लेकिन जो ऊपर के तीन लोग द फर्स्ट थ्री पर्सन फ्रांसिस क्लैवरिंग मॉनसन एंड बेयरवेल वो तीनों ही हमेशा गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में रहते थे लेकिन जो बेयरवेल थे वो हमेशा किसी भी इशू में किसी भी केस में बेयर गवर्नर जनरल के हमेशा सपोर्ट में रहते थे और इसी तरह इस केस में वो गवर्नर जनरल के सपोर्ट में उनके फेवर में थे सो द मेजॉरिटी ग्रुप जो मेजोरिटी ग्रुप था फ्रांसिस क्लैवरिंग और मॉन्सन का जो गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में थे उन लोगों ने एक नंद जो नंद कुमार थे राजा नंद कुमार उनको भड़काया उनको इंस्टिगेट किया किस लिए टू ब्रिंग द चार्जेस ऑफ ब्राइबरी इन करप्शन ब्राइबरी रिश्वत करप्शन मतलब गलत काम करना करप्शन के लिए किसके अगेंस्ट वॉरन हास्टिंग के अगेंस्ट इन चार्जेस को लगाया काउंसिल के सामने ब्राइबरी और करप्शन का किसने मेजॉरिटी ग्रुप जो था नंद कुमार को उन्होंने इंस्टिगेट किया था सो so, उससे वो भड़क भी गया था पहले वो बहुत अच्छा दोस्त था वो कंपनी के सपोर्ट में था लेकिन अब नंद कुमार उन लोगों की बातों में आ चुका था एंड ही गेव अ लेटर टू फ्रांसिस को उसने एक लेटर दिया और लेटर में मेंशन किया दम्पलेन्स अगेंस्ट हैस्टिंग ऑफ ब्राइबरी इन करप्शन करप्शन और ब्राइबरी के केस में uh, complaints उसने उसनेस्टिंग के अगेंस्ट उसमें मैंशन किया एंड फ्रांसिस ने यही लेटर जाके जो मीटिंग हो रही थी गवर्नर जनरल की काउंसिल की वहाँ पे जाके इसको वहाँ प्लेस कर दिया था ये लेटर को जो uh, दारनंद कुमार ने फ्रांसिस को दिया था देन मॉनसन जो मॉनसन था ही मूव्ड अ मोशन उसने एक मोशन पास किया दैट नंद कुमार शुड बी कॉल्ड टू अपियर बिफोर द काउंसिल उसने कहा कि नंद कुमार को अलाउंस देना चाहिए इस काउंसिल में आने का इस केस के रिगार्ड में लेकिन वॉरेन हैस्टिंग इसके अगेंस्ट में थे जो कि उस वक्त काउंसिल को प्रेसाइड कर रहे थे जो कि हेड थे वहां के देन मिस्टर बारवेल द सपोर्टर ऑफ वॉरनिंग यूज टू बी इन द सपोर्ट ऑफ वॉरिंग इन ईच एंड एवरी इशू ही पुट फॉर द सजेशन दैट नंद कुमार शुड फाइल बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट हियर इन दिस काउंसिल बारवेल ने कहा कि नंद कुमार को अपना जो केस केस है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करना चाहिए ना कि इस काउंसिल के अंदर गवर्नर काउंसिल के अंदर बट द मजॉरिटी जो मजॉरिटी थी जो वॉरेन हासिंग के अगेंस्ट में रहती थी दे ऑब्जेक्टेड टू दिस एक्शन एंड इलेक्टेड क्लैवरिंग टू द मीटिंग इन प्लेस ऑफ हासनिंग क्या हुआ था कि उसके जो सारे के सारे वॉरेन हास ने मना कर दिया था कि क्या नाम है जो नंद कुमार है वो नहीं आ सकता है मीटिंग के अंदर तो सारे के सारे जो मेजोरिटी मेंबर्स थे वो उसके अगेंस्ट में हो गए ठीक है तो इसकी वजह से वॉरेन हैसिंग ने मीटिंग कैंसिल कर दी थी तो इस एक्शन के ऑब्जेक्ट में करते हुए उन्होंने क्या करा कि हैसिंग की जगह पर क्लेवरिंग को इलेक्ट किया कि वो मीटिंग को प्रिसाइड करे और मीटिंग को हेड करे ना नंद कुमार वॉज कॉल बिफोर द काउंसिल टू प्रूव इज चार्जेस अगेंस्ट हेस्थिंग नंद कुमार को बुलाया गया कि वो आए मीटिंग के अंदर और हेस्थिंग के अगेंस्ट जो भी चार्ज है उसे प्रूव करे द मेजोरिटी ऑफ़ द काउंसिल डिक्लेयर दट द चार्जेज लेवल्ड अगेंस्ट हैस्थिंग्स वर प्रूव राइट मेजोरिटी ऑफ द जो काउंसिल था उन लोगों ने कहा कि हाँ ये जो चार्जेस लगाए हैं वो सही है बिल्कुल करें हैं एंड हैस्टिंग वॉज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड वन जीरो फाइव इन दी ट्रेजरी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैस्टिंग को ये डायरेक्ट करा 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 गया एज अ पनिशमेंट कि वो इतना सर्टिन uh, अमाउंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेजरी में उसके खजाने में डिपॉजिट करवा दे ठीक है इस इंस्टेंस की वजह से इस uh, रायानंद कुमार के uh, गलत इल्जाम लगाने की वजह से uh, मे Uh, जो वॉरन हास्टिंग के अंदर नंद कुमार के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बिटर फीलिंग क्रिएट हो गई थी दिस इवेंट मेड हास्टिंग अ बिटर एनिमी ऑफ हास कुमार नाउ ही फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिम डाउन अब क्या था कि जो तो वॉरन हास्टिंग था वो मौका ढूंढ रहा था ही वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कब मुझे मौका मिले और मैं नंद कुमार को नीचा दिखा सकूँ उसको भी गलत प्रूफ कर सकू किस तरीके से तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं या दिखा रहे हैं कि नंद महारा वो Hastings बोल रहे हैं कि कुछ भी करने का लेकिन वॉरन हस्टिंग का ईगो हर्ट नहीं करने का मतलब कुछ भी करो लेकिन को नहीं उसका ईगो नहीं हर्ट करने का Hastings. Hastings वैसे ही मौका देख रहे थे कि कब मुझे मिले और मैं उसको नीचा दिखाऊं तो वही हुआ कि हेस्टिंग ने उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए झूठे नहीं थे एक्चुअली वो सही इल्जाम लगाए थे कि पहला क्या लगाया था कि नंद कुमार ने बारवेल सॉरी बारवेल नहीं मॉन्सर फ्रेंसिस और क्लैवरिंग के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी रची है षडयंत्र रचा है पहला इसके अगेंस्ट और दूसरा लगाया दिन इन ऑर्डर टू ब्रिंग फर्दर डिस्ट्रिस और ज़्यादा उसको नीचा दिखाने के लिए राजा नंद कुमार को हाथसिंग ने क्या करा उसके अगेंस्ट फॉर्जरी का केस लगा दिया धोखा धड़ी का और लेते ना जाली जाली नोट बनाने का ये सब काम उसके अगेंस्ट उसको फॉर्जरी का उसके अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने सारे चार्जेस को अच्छे से समझा जाना और सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस हिम सेंटेंस राजा नंद कुमार टू डेथ अंडर एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने राजा नंद कुमार को मृत्यु की सजा सुना दी थी एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर दैट एक्ट वॉज पास एज अर्लीज सेन ट्वेंटी एट के अराउंड ये एक्ट पास किया गया था और राजा वॉरन हेस्टिंग ये तभी कर पाए बिकॉज जो इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा इम्पे थे जो कि वॉरन हेस्टिंग के बहुत अच्छे दोस्त थे सो इन दिस वे हेस्टिंग सक्सीडेड इन गेटिंग रिड ऑफ नंद कुमार नंद कुमार के जितने भी झूठे इल्ज़ाम थे जितने भी गलत उसने आ, बातें कहीं थी वो सब उससे वो गेट रेड हो गए उससे सब वो फ्री हो चुके थे अब एंड जस्ट बिकॉज हिज फ्रेंड सर एलिजा इम्पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एंड ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आज का एक क्वेश्चन है द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वी हैव ऑलरेडी वन टॉक्ड ऑफ सर एलिजा इम्पे सर एलिजा इम्पे इससे पहले किस चीज के चीफ हेड रह चुके हैं ही वॉज द फर्स्ट चीफ हेड ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा सो so, इस केस का बेसिकली कंक्लूजन ये निकला था राजा नंद कुमार क्लियरली इंडिकेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट फेल टू एक्ट विद विदम सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कहते ना कि विजडम से काम नहीं कर पाई ही कूडेंट वर्क विथ प्रूडेंस प्रूडेंस से काम नहीं करा कि वो नेटिव्स को फेयर इम्पार्ट जस्टिस जस्टिस फेयरली और गुड कंसाइंस के साथ नहीं पहुंचा पाई मतलब कि एज इसमें हमें साफ दिख रहा था कि वो उसके फ्रेंड थे वॉरन्ट हाथिंग तो उस इतना बड़ा इन केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती थी लेकिन जस्ट बिकॉज वॉरेन हस्टिंग वॉज इज फ्रेंड तो उसने उनकी बात सुन के उसको uh, क्या नाम है जस्टिस नहीं दिया उसको uh, सही uh, क्या डिसीजन नहीं सुनाया गया था सो ओवरऑल द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट पार्शियल वॉज नॉट इम्पार्शियल वॉज नॉट फेयर सो विद दिस वी आर डन विद दिस राजानंद कुमार केस द ट्रायल ऑफ राजानंद कुमार सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Do like, subscribe, share, and yeah, for any doubt, any confusion, do write down in the comment section. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.